में फर्क नहीं करते, उनके लिए अपने बच्चे चांद पर टुकड़ा होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हैकर बनाया, शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें अनोखी एबिलिटी से नवाजा है। इनमें से कुछ बच्चे दुनिया को चौंका देते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही मासूम लेकिन नायाब बच्चों से मिलवाते हैं जो लाखों करोड़ों में एक है। नंबर 10, बायजिद होसैन। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में बचपन, बुढ़ापा और जवानी समय से आती है, लेकिन कुछ इसे गौर नहीं किया जा सकता जो बॉलीवुड बा फिल्म से वाकिफ है। वो जानते होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये है बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले बायजिद होसैन। इन्हें देखकर लगता है ना कि एक छोटे बच्चे के शरीर में 80 साल के बूढ़े को कैद कर दिया होगा। दरअसल बायजिद रोजेरिया नाम की बीमारी से गिरते बाल और दांत बताते हैं कि इस बीमारी में इंसान वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। शरीर के हॉर्मोन्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा 13 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। बायजिद भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। अनोखी शारीरिक बनावट के चलते वो स्कूल नहीं जा सकते, चाहकर भी विज्ञान उनकी मदद नहीं कर सकती। इस कला में महारत हासिल करते हैं। ये है जैसी जेल मैकवा, जो आज के खेल में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को साथ दे सकती है। जैसे उन लड़कियों में से एक है जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही 100 टाइटल्स अपने नाम कर लिए थे। अपनी मार्शल आर्ट की अनोखी कला के चलते चाइना में लोग इन्हें गोल्डन ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले 9 साल की उम्र में इन्हें ब्रिटिश गॉट टैलेंट में देखा गया था, जहां इन्होंने अपनी तलवारबाजी की कलाओं से सबको शौक में डाल दिया था। शुरुआत के दौर में जेसी के माँ-बाप को लगा कि बच्ची का शौक शायद कुछ समय बाद चला गया, लेकिन समय के साथ इसकी कला में झंडे जाते हैं। वैसे कुछ पाए है कि जेसी मार्शल आर्ट के अलावा जिमनास्टिक्स और एक्सरसाइज का भी शौक रखती है और अपनी स्टाइल के बनाने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। टैलेंट की बात हो ही गई है तो अब नाम उस बच्ची का जिसके आईक्यू के सामने बड़े बड़े चौधरी फेल हो सकते हैं। ये है अली स्टैन रॉबर्ट्स, जो महज 2 साल की उम्र में इतनी दिमागदार हो गई थी कि आपका और हमारा दिमाग भी इनके सामने चाय कम पानी था। दरअसल अली स्टैन रॉबर्ट्स उन बच्चों में से एक है जो सुपर मेंटल एबिलिटी के साथ पैदा हुई है। 8 साल की उम्र में वो स्पेनिश लिखना और बोलना जान गई थी। 25 देशों के नाम और उनकी राजधानी तक वो याद कर गई थी। एली स्टैन के पिता बताते हैं कि वो केवल 5 महीने में डैड बोलना जान गई थी। 3 साल की होते होते एली 70 लैंग्वेजेस में हाय हेलो बोलना सीख गई है। इतनी सी उम्र में ऐसी शार्प मेंटल एबिलिटी का पता लगाना नामुमकिन है। 17 साल की अलेक्जेंड्रा शक्ल से तो बच्ची लगती है, लेकिन उनकी बॉडी एक फुल ग्रोन वुमन होने वाली अलेक्जेंड्रा की लाइफ दरअसल बेहद ही कॉम्प्लेक्स है। बेहद छोटी ही उम्र से वो एक रेयर डिजीज से जूझ रही है जिसे हिस्टियोसाइटोसिस कहते हैं।
right? और हेलो तुम इस टॉपिक लेकर लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को